हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 28 फिट बाई 54 फिट का प्लॉट साइज। इसको हमने किस प्रकार से प्लान किया हुआ है जानेंगे इस वाली वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते रहिएगा। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं वीडियो को। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा 28 फिट बाई 54 फिट का प्लॉट है। इस प्लॉट के थ्री अदर साइड अदर लोगों की प्रॉपर्टी है और वन साइड हमारा रोड है। ये हमारा मेन रोड रहेगा। यहाँ से हमने एंट्री दी हुई है 10 फिट वाइड की। ये हमारी एंट्री रहेगी। यहाँ से आप घर के अंदर एंट्री करेंगे। यहाँ आपके लिए लॉन एरिया मिल जाएगा 11 फिट बाई 6 फिट का। और इस साइड फ्रंट पर आपके लिए WC मिल जाएगा 5 फिट बाई 6 फिट का। ये हमारा WC रहेगा। ये टॉयलेट सीट है और इसमें ये वॉश बेसिन लग जाएगा। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ये आपके लिए ड्राइंग रूम मिलेगा। ये जो एरिया रहेगा ये हमारा पोर्च एरिया रहेगा 10 फिट बाई 17 फिट 3 इंच का। यहाँ आप कार खड़ी कर पाएंगे आराम से। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, ड्राइंग रूम का साइज रहेगा 15 फिट 9 इंच बाई 13 फिट 3 इंच। ये हमारा सोफ़ा रहेगा। ये हमारा टीवी यूनिट रहेगा। ये विंडो रहेगा। इस वाली विंडो से आपके लिए फ्रेश एयर मिलती रहेगी। ये हमने आर्च दिया हुआ है ड्राइंग रूम में। ये आपके लिए लॉबी एरिया है 17 फिट 2 इंच बाई 12 फिट 4 इंच का। ये हमारा डाइनिंग टेबल रहेगा। यहाँ हमारा थ्री सीटर सोफ़ा रहेगा। यहाँ आपके लिए किचन मिलेगा 9 फिट बाई 8 फिट का। ये हमारा गैस स्टोव रहेगा। ये हमारा सिंक रहेगा और ये आपके लिए फ्रिज रखने के लिए स्पेस रहेगा। किचन हमारा ओपन रहेगा। ये हमारा आर्च है। और लॉबी से आपके लिए इस साइड टेम्पल मिलेगा 5 फिट बाई 4 फिट का। टेम्पल पर भी ये हमारा आर्च रहेगा। किचन हमारा मेन गेट के सामने रहेगा। फिर पीछे आपके लिए ये दो रूम मिलेंगे। पहला रूम ये रहेगा, दूसरा रूम ये है 13 फिट 1 इंच बाई 14 फिट का। ये हमारा बेडरूम रहेगा। ये हमारा टीवी का पॉइंट रहेगा। ये हमने वार्डरोब दिया है। पीछे हमने ओपन एरिया छोड़ा हुआ है 15 फिट 9 इंच बाई 5 फिट का। ये पूरा ओपन एरिया रहेगा। तो इस साइड हमने बाथरूम दिया है ओपन एरिया में 5 फिट 4 इंच बाई 5 फिट का। और इस साइड हमने WC दिया है 5 फिट बाई 5 फिट का। इस बेडरूम का वेंटिलेशन इस वाली विंडो से होगा। यहाँ आप कूलर लगा सकते हैं और इस वाले एरिया में आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं, जिससे कि आपके लिए नेचुरल लाइट और एयर मिलती रहेगी। इस साइड भी सेम साइज का बेडरूम रहेगा। पीछे जाने के लिए सेम विंडो और सेम गेट मिलेगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इस 28 फिट बाई 54 फिट प्लॉट को प्लान किया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए प्लानिंग अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्लानिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।